Hanged Man, Six of Wands, Three of Cups, King of Cups. Okay. टावर कार्ड निकल के आया तभी मैंने बोला कि आपकी नेगेटिव चीजों का एंड हो रहा है, आप खुशियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कोई विक्ट्री आपकी लाइफ में आ सकती है। जो चीजें अभी तक स्टक चल रही थी, आप जिस पार्टनर का वेट कर रहे थे वो चीजें भी स्टक चल रही थी, आपके पार्टनर आपके पास कम्युनिकेशन लेके नहीं आ रहे थे, ऑफर लेके नहीं आ रहे थे, जितनी भी नेगेटिविटी थी वो इस वीक में एंड होते हुए मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ सिक्स ऑफ वॉन्स विद थ्री ऑफ कप्स है। कुछ लोगों का यहाँ बर्थडे भी हो सकता है और कुछ लोग यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर कर सकते हैं या किसी टाइप का सेलिब्रेशन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ या अपने पार्टनर के साथ भी कर सकते हैं, है ना। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है आपके लिए। प्रोफेशनल लाइफ में मुझे लग रहा है कुछ टाइम से जो सिचुएशन स्टक चल रही थी, जिस जॉब के लिए आप सर्च कर रहे थे, जिस बिजनेस के लिए आप सर्च कर रहे थे या अफर्ट्स लगा रहे थे, जो वर्कआउट नहीं हो रही थी सिचुएशन, वो इस वीक में मूव करेंगी, एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगी और आपको बहुत सारी रिसोर्सेज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी। अभी तक आप जिस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, मे बी वो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है या आपके पार्टनर आपका कप फुल करने के लिए आ सकते हैं। ये जो आप खाली कप लेके बैठे हुए हैं ना, इसको फुल करने के लिए वो आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। कोई कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं आपसे, वो तो मैं अभी कार्ड्स निकालूंगी तो और क्लैरिफाई हो जाएगा कि वो किस टाइप का एक्शन लेके आपके पास आ रहे हैं या उनके थॉट्स क्या चल रहे हैं। बट आपकी एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही है। अगर आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है, अभी भी आप नेगेटिविटी से डील कर रहे हो, स्टक सिचुएशन में फंसे हुए, तो मैं बोलूंगी प्लीज इस सिचुएशन से बाहर निकलिए। जब आप इससे बाहर निकलेंगे तभी तो आप विक्ट्री के साइड बढ़ेंगे, तभी तो खुशियां आपके साथ आएंगी आपकी लाइफ में, तभी तो आपका कप फुल करने के लिए आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। इस एनर्जी में रहोगे तो कैसे ये पॉजिटिव चीजें आप अट्रैक्ट करोगे, बताइए, है ना। तो तभी मैं कह रही हूँ आप इस स्टक पोजीशन से बाहर निकलिए। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में चल रहे हैं फिलहाल, उनकी करेंट एनर्जी क्या है। वो तो भाई ऑफर देने का सोच रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ कि अभी तक वो कोई ऑफर लेके नहीं आए तभी आप इस स्टक पोजीशन में है। समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए कि वेट करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आपके पार्टनर सोच रहे हैं, अभी प्लानिंग बना रहे हैं, मे बी आ सकते हैं आपके पास खुशियां लेके। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, कह रही हूं ना कप आपको ही ऑफर करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो रहे हैं, मे बी वो बहुत ज्यादा उनका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है या अपना कनेक्शन वो भगवान से बना रहे हैं, तो उनको कोई गाइड कर रहा है एक्चुअली। हाँ, मुझे लग भी रहा है कि या तो वो अपना कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी से बना रहे हैं, यूनिवर्स से बना रहे हैं, तो वो उनको गाइड कर रहे हैं कि आपको कब लेके ऑफर अपने पार्टनर के साइड जाना चाहिए। ये कोई मैरिज का ऑफर भी हो सकता है, कमिटमेंट का ऑफर भी हो सकता है ना। तो सारी खुशियां वो आपके साथ देख रहे हैं, या कोई यहाँ पर्सन भी मुझे नजर आ रहा है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो, देखिए कम्युनिकेशन का भी कार्ड आ गया है, उनकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जो आपके साइड आने के लिए उनको मोटिवेट कर रहा है, वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, काफी टाइम से सोच रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने का, ऑफर लेके जाने का, आपका कप फुल करने का। सारी खुशियां आपके साथ देखते हैं, विश फुलफिल आप ही उनके। जितनी भी नेगेटिविटी थी वो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में ही बताया, जब टावर कार्ड रिवर्स आया कि जितनी भी नेगेटिविटी थी इस वीक में वो एंड हो रही है। अब आपको ज्यादा नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर भी जब चेंज हो रहे हैं तो आप क्यों स्टक हैं, आप भी आगे बढ़िए ना, आपके पास वो कम्युनिकेशन लेके आना चाहते हैं, किसी से सलाह भी ले रहे हैं। देखिए मैंने बताया था ना अभी हर्मिट के ऊपर आया है एट ऑफ वॉन्स का कार्ड, तो कोई थर्ड पर्सन उनको बोल रहा है कि आप उनके पास कम्युनिकेशन लेके जाइए, आपसे बात करेंगे वो इस वीक में, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है, वैसे एक्शन ओरिएंटेड कार्ड तो पहली बार में ही निकल के आ गया, लेकिन और देखते हैं कि उनके माइंड में और क्या चीजें चल रही हैं, वो क्या चाहते हैं और इस वीक में। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, हैरोफेंट, एस ऑफ वॉन्स। मैं कह ही रही हूं कि यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है, यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात नहीं कर रही हूँ कि आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला भी होगा ना, तो वो उससे बाहर निकलना चाहते और आपके साइड एक्शन लेना चाहते हैं। और बीच के रीडिंग के बीच में ही मैंने आपसे बोला था कि वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ हैरोफेंट का कार्ड आया है,
बिल्कुल वो अपना कनेक्शन भगवान से बना रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअल काइंड के पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। इस वजह से उनका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है और यूनिवर्स उनको गाइड कर रहे हैं कि आपके साथ वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये जो कप ऑफर है, ये जो हाथ है ना, ये आपको ऑफर दिख रहा होगा, यूनिवर्स के साइड से आ रहा है इनको बताने के लिए कि आप ये कप लेके जाइए। और यहाँ भी सेम सिचुएशन है, यूनिवर्स इनको ये वॉन्ट दिए हुए हैं कि आप इस वॉन्ट के साथ न्यू बिगनिंग करिए अपने पार्टनर के साथ। तो यूनिवर्स का इंटरवेंशन, भगवान का इंटरवेंशन, दोनों का यहाँ इंटरवेंशन है, ठीक है। और मैं बता चुकी हूँ कि कुछ लोगों ने इनसे बोला हुआ है कि आपके पास कम्युनिकेशन लेके जाए, आपसे रिकनेक्ट हो, ठीक है। इनको तो आप वेल विशर से बोलिए, क्योंकि ये आपके पास भेज रहे हैं, वरना कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशंस ऐसी होती हैं लाइफ में लोगों के कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग से क्रिएट करेंगे, है ना। बट इनकी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो चाहते हैं कि वो आपके साइड मूवमेंट करें, ये अच्छी बात है, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है, आप उनमें से एक हैं, चलिए बढ़िया है। और देखते हैं क्या एक्शन ले सकते हैं वो। वैसे तो न्यू बिगनिंग का सोच रहे हैं, विश फुलफिल आप ही होने के, है ना, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए आपके लिए, तो वो एक एम्प्रेस की तरह समझते हैं, आप एक इंडिपेंडेंट काइंड के पर्सन है, है ना, आप में वो सारी क्वालिटीज देखते हैं जो उनको चाहिए, इस वजह से वो आपके पास आ रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत स्वीट टाइप की निकल के आई है, बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं कि कैसे आपके पास जाया जाए कम्युनिकेशन लेके, बहुत सोच रहे हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ आया है फोर ऑफ कप्स का कार्ड, तो यहाँ आया है एट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ भी वो सोच रहे हैं, बट अपने माइंड में एफर्ट्स लगा रहे हैं कि कैसे आपके पास ऑफर लेके जाया जाए, और यहाँ वो फिजिकल वे में एफर्ट लगा रहे हैं, स्ट्रेटजीज बना रहे हैं कैसे जाया जाए आपके पास ऑफर लेके, ओके। और जो इनकी लाइफ में, इनके पाथ में जितनी भी निगेटिविटी है, जितने भी निगेटिव लोग हैं, उनको वो साइडलाइन कर रहे हैं और डिफेंसिव बन गए बहुत ज्यादा, कि कोई अगर आके इनके लिए कुछ गलत भी बोलता है ना, तो वो बहुत डिफेंसिव बन गए। आपको लेके बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इनको, ठीक है। अब आपके लिए देखते हैं क्या गाइडेंस फॉलो करना है। कर्क राशि, आप जितना माइंड में निगेटिविटी बना के बैठे हुए हैं ना, कि आपको कोल्ड शोल्डर दे के चले गए, आपके आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपकी लाइफ में मुझे बहुत ज्यादा निगेटिव लोग दिख रहे हैं, जो आपका माइंड डाइवर्ट, इनकी लाइफ में जो लोग है, देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई यहाँ पे, इनकी लाइफ में जो लोग है वो आपके साइड भेज रहे हैं, और आपकी लाइफ में जो लोग है वो आपको मूव ऑन करने का बोल रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि भाई आपके पार्टनर तो आपको कोल्ड शोल्डर देके चले गए, आप तो बस मूव ऑन कर लीजिए। कितने डिफरेंट एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। तो मैं बोलूंगी भाई ऐसा कुछ मत करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना। आपका जो इंट्यूशन बोलता है आप वो करिए, लोगों की मत सुनिए। अगर आपका इंट्यूशन बोलता है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, तो यू कैन, ठीक है। अगर आपका इंट्यूशन बोलता है कि भाई ये बहुत नेगेटिव लोग हैं, तो मेरा माइंड डाइवर्ट करते रहते हैं, मुझे इन लोगों की नहीं सुनना है, अपने हिसाब से लाइफ में आगे बढ़ना है, तो अपने इंट्यूशन की सुनिए, प्लीज इन नेगेटिव लोगों के बीच में मत फंसिए, ओके। लास्ट कार्ड और देखना चाहूंगी मैं आपके लिए, नाइट ऑफ कप्स विथ फोर ऑफ सॉर्ड्स। थिंकिंग मोड में जाइए, ओवरथिंक मत करिए, लेकिन सोचना जरूरी है कि ये नेगेटिव जो लोग हैं, इन्होंने आपको जो गाइडेंस दिया वो सही है कि गलत, बिल्कुल सोचिए उस पर, लेकिन ओवरथिंक नहीं। आपको पता है कि आपको किसका ऑफर एक्सेप्ट करना है, किसका ऑफर आपको रिजेक्ट करना है, किसको ऑफर देना है, किसको नहीं देना है। अपने लाइफ की लीड खुद लीजिए, इन पे मत छोड़िए।